इस वक्त बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़े में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक लगा था। मुखर्जी को बीते 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कल यानी रविवार को अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहन कोमा में हैं, लेकिन रक्त संचार सामान्य है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि 84 वर्षीय मुखर्जी को वेंटिलेटर पर रखा गया था और फेफड़े में संक्रमण का इलाज किया जा रहा था, पर आज प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। उसके पहले देश के वित्त मंत्री और कांग्रेस के धाकड़ नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है।